गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में आज लगी है भीड़। वजह क्या है आप लोगों को पता ही है, एकादशी का समय है, एकादशी का दिन है और साथ ही साथ इतनी गर्मी पड़ चुकी है कि इंसान वहाँ एक बार खड़ा भी नहीं हो सकता। धूप आप लोग एक बार देख लो, कितनी तेज धूप यहाँ पर अभी पड़ी हुई है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से जा भी रहा है ना, अगर बाहर निकला हुआ है तो उसको एक मिनट के लिए तो लगता है कि यहाँ पे मेरी जो ये खाल है ना आज जलने वाली है। खैर इस वक्त मैं मौजूद कहाँ पर हूँ ये भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन पहले बता देती हूँ आज है एकादशी का दिन और हर जगह आप लोग देख सकते हैं कहीं पानी का सेवन है तो कहीं हलवा पूड़ी का, कहीं हलवा पूड़ी का सेवन है तो कहीं पर छोले का, अलग अलग सेवाएं जो है आज दी जा रही है हर गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में, और पूरा लाभ उठाया जा रहा है यहाँ की आम जनता के द्वारा। यहाँ देख लेते कौन कैसी मजे लेते हुए खाना खा रहे, क्या बात है, बड़े मजे लेके खाना खा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? शांति नगर से यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। ओके, कैसे पता चला कि यहाँ प्रसाद मिल रहा है आज? हम इधर जॉब करता है। जॉब करते हैं आप? और जॉब कर रहे थे तो आपको दिखा भी आज। अच्छा ये बता दीजिए कैसा बना प्रसाद? प्रसाद बहुत बढ़िया बना, अच्छा बना, खाने में बहुत मजा आ रहा। बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है भाई। रिव्यूज आप लोग पहले ही देख लो, ये नहीं है कि कोई ये सोच रहा हो कि भाई मजाक सा चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, रियलिटी में। इसको थोड़ी देर पहले ना मैंने भी खा के देखा था, इतना बढ़िया बना हुआ था कि हाँ भाई प्रसाद तो फिर बढ़िया ही होता है। खैर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या बात है भैया, कब से लगे हुए हैं? सुबह 9 बजे के लगे हुए हैं जी। सुबह 9 बजे के लगे हुए हैं, टाइम पता कितना हो गया? पहले पानी बांट रहे थे और अब लंगर। बात है, मतलब पानी की सेवा उसके बाद लंगर की सेवा, कैसा लग रहा है आपको ये काम करके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात और बता दीजिए, सुबह से लगभग कितनी भीड़ यहाँ पर लग गई होगी? कोई अंदाजा नहीं है कब से। बहुत जरूरी, ये भगवान की माया है, हमारी कोई माया नहीं है। आपकी कोई माया नहीं है, ये भगवान करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्रसाद है ना इतने बड़े प्यार से बनाया हुआ प्रसाद, कैसा लगा? ऐसे है जी, हमने तो अभी बना रखे है, हमने तो अभी तो पता लगेगा कैसा है। आपने टेस्ट ही नहीं किया? नहीं, अभी टेस्ट नहीं करा, सबको करवा दिया। तो ऐसा टेस्ट, इतना खुश हो गया है कि भगवान ने हमारे को इतनी सेवा करने का मौका दिया है। अच्छा कितनी सेवा आपने आज कर दी, कितने लोग यहाँ पर आए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जितना भेज रहे आ रहे हैं, खा रहे हैं लोग, खुशी खुशी जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं कि घर पे हमारे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा भर के ले जाए। कोई बात नहीं, ले जाओ, भगवान देने वाला है, हम कौन है देने वाले, भगवान है देने वाला। ये तो नहीं है कि प्रसाद कम पड़ जाए, भगवान का कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। चलिए हम आगे और बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अभी सब मौजूद है, सेवा तो अच्छी दी जा रही है। ये नहीं है कि कहीं पर जो है ना भीड़ भड़ाका नजर आएगा, अगर हाँ भीड़ भड़ाका है भी तो कहीं ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आराम से लाइन में आ रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं, लाइन में ही ले रहे हैं। और पहले तो बता ही दिया है, पहले यहाँ पर पानी की सेवा, जल की सेवा दी जा रही थी और अब यहाँ पर खिलाया जा रहा है भंडारा, यानी कि हलवा पूरी और सब्जी, बहुत मजे लेके आनंद लेके लोग यहाँ पर खा रहे हैं। क्या बात है, हम बात कर लेते एक बार। नमस्कार जी, 9 बजे से लगे हुए हैं। 9 बजे से लगे, आपको टाइम का अंदाजा है कितने बजे होंगे? नहीं कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं। इतनी सुबह से लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रसाद सबको बांट तो दिया, खुद ने टेस्ट किया आपने? नहीं अभी कुछ नहीं करा, टेस्ट करा ही नहीं। इतनी गर्मी में कैसे आप यहाँ पर? सब प्रभु की कृपा है भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलो मैं आ जाऊँ, पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपने यहाँ का हाल तो देख लिया, थोड़ी सी आगे लेकर चलती हूँ। आ जाओ आगे एक बार, वहाँ उस तरफ दिखा दो कि भीड़ कितनी इकट्ठी है। भीड़ यहाँ जोरों शोरों से इकट्ठी है, एक के बाद एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है और अपनी प्लेटें जो है फुल करवा के जा रहा है। और यहाँ तक कि ना कुछ लेडीज होती हैं, ऐसे कह लो अंकल भी होते हैं कभी कभी, लेकिन लेडीज ज़्यादा होती हैं। मेरे बच्चे घर पे हैं, मेरी मम्मी घर पे हैं, मेरे को थोड़ा और भूख लग सकती है तो मैं घर पे जाके खाऊंगी, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और वो भरवा कर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर वो सुविधा भी दी गई है कि अगर किसी को अपना टिफिन पैक करवाना है तो वो टिफिन में डलवा के जा सकता है। खैर आइए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को, ये जहाँ पर बन रहा है ना वहाँ लेके जाने वाले, चलो आओ। ये देखो बाबूजी की पूरी सेवा है यहाँ पर, इतना बड़ा ये उठा कर लेके जा रहे हैं, इसके अंदर इतनी सारी पूड़ियाँ लेके आए, पूड़ी बनते ही लेकर आ रहे हैं। आप प्रसाद तो खा लीजिएगा। अरे बच्चे के हाथ से, मैंने तो प्रसाद पहले ही खा लिया भाई। प्रसाद खुआओ, बच्चे के हाथ से दुआओ, बच्चों के हाथ से। अरे मेरे मेरी जगह ना किसी और को दान कर दीजिएगा, मैंने खा लिया, मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा प्रसाद। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ मैं दिखाने वाली थी आप लोगों को कि प्रसाद जो बनाया जा रहा है ना, कहाँ बनाया जा रहा है और एकदम क्लियरिटी के साथ बनाया जा रहा है। एक होते हैं कि भाई कई लोग होते हैं कि प्रसाद जो है ना
प्रसाद के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े हाथ धोना भूल जाते हैं या गंदगी में बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं दिखा देती हूँ पूरे क्लीनिटी के साथ यहाँ वर्क किया जा रहा है बिल्कुल सावधानी से। और यहाँ पर जो है सबकी सेवा है, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पूरी की सेवा है, पूरी यहाँ पर तली जा रही है, सुबह से लगे हुए हैं। आपने सुन तो लिया ही होगा, सुबह 9 बजे से लगे हैं और 9 बजे से आप देख लो टाइम तो शायद कितने बज गए होंगे गोपाल भैया, टाइम अंदाजा है 2 बजने वाले हैं और 2 बजने वाले हैं और सुबह 9 से अब भी 2 और उसके बाद भी इतनी मेहनत, इतनी गर्मी में इतनी गर्म गर्म पूड़ियाँ तलना, इतना गर्म गर्म तेल में कितना मुश्किल होगा आप भी सोच सकते हैं। खैर हमारे साथ मौजूद है सर, नमस्कार। हाँ जी, सुबह कितने बजे से लगे हैं? सुबह 5 बजे के। 5 बजे के? वो 9 बजे से कह रहे हैं। 5 बजे तो आ गए थे ना। अच्छा, आप लोग बनाने सुबह 5 बजे से लगे थे? लगे तो 8 बजे थे, 5 बजे से चले थे, सामान लेकर आए थे, फिर 8 बजे तैयार कर दिया था। कहाँ से आए? मावी कॉलोनी। मावी कॉलोनी चांदनी चौक। एक बात बताइए, जो प्रसाद आप बना रहे हैं आपको कैसा लग रहा है कि भाई प्रसाद तैयार करने का मजा कुछ अलग ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आज? बस आज तो सेवा में लग रहे हैं हम तो। आज सेवा में लग रहे हैं लगभग अभी तक, मैं बताऊँ पूड़ियाँ जो है ना बेली जा रहे हैं, कोई अंदाजा पड़ा है कि भाई कितनी पूड़ी बेल दी होगी आपने? कम से कम 1000 आदमी खा गए होंगे, 1000-1200। 1000-1200 तो खा गए हैं, मतलब समझ लो 1000-1200 लोग खाकर चले गए हैं, एक व्यक्ति भी कम से कम हद से कम 4 पूड़ी तो खाता ही खाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, 4 तो खाता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितनी पूड़ी उन्होंने बेल दी होगी सुबह से, एक बार खुद विचार कर लो। ये बाबूजी भी बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। और बढ़ेंगे 300-400 आदमी का और खाना बच रहा है। और खाना बन रहा है, अरे वाह बाबूजी पूरी आराम से तसल्ली से हाथ चलाए जा रहे हैं, क्या बात है बाबूजी। मशीन ले आओ आप। मशीन की जरूरत नहीं जी, बेलन से बेलना पड़ता है। बेलन से बेलना पड़ता है? मशीन भी तो आ गई, जल्दी मिल जाएंगे। नहीं, इससे बढ़िया है। ये बढ़िया है? हाँ। आपने ना थोड़ी पूड़ी जो है थोड़ी मोटी मोटी बना दी। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी है। अच्छी। आपने टेस्ट किया? टेस्ट करें। टेस्ट करा? हाँ। अरे चलो अभी आगे लेकर चलती हूँ, देख लो अभी गोल करके यहाँ रखे हुए हैं इतने सारे गोल, अभी यहाँ कह रहे 300-400 लोगों का खाना भी और बना हुआ है और अभी खाने आने वाले हैं। भीड़ एक बार और दिखा दो भाई, लगी हुई है भीड़, कंटिन्यू चल रही है, थोड़ी 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 करके भीड़ कम भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर अभी तक 1000-1200 लोग खा के जा चुके हैं। नमस्कार सर। अरे क्या बात है, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, क्या कहेंगे लोग आप लोगों को, लोग लाइव देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसाद तैयार कर प्रसाद अच्छी धर्म का काम है। अच्छा एक बात बताइए, आज एकादशी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो हर साल आती है जी, मैं दिल्ली से पहली बार आया हूँ यहाँ। अच्छा। चलिए भाई, तो ये इसका मतलब कुल मिला के बात ये हुई है कि यहाँ पर जो है एकादशी का दिन है और सभी पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाई रही हूँ तब से, और प्रसाद जो है पूरी तरह से तैयार है और सब लोग यहाँ पे पूरा आनंद उठा रहे हैं। अगर आप लोगों को और भी आनंद उठाना है तो आ सकते हैं और बने रहिए चैट20 न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें आपको लगातार मिलती रहेगी।